पश्चिम बंगाल के मोमिनपुर में एक बार फिर से दो समुदायों के बीच झड़प हो गई है, जिस दौरान कई लोग घायल हो गए हैं। 6 दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, जिनमें से 2 में आग भी लगा दी गई है। बताया ही जा रहा है कि भीड़ ने 6 कारों और बाइक्स को भी नुकसान पहुंचाया है। कुछ घरों में तोड़फोड़ और ईंट पत्थर फेंके जाने की भी खबरें सामने आई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस हादसे के तुरंत बाद ही कोलकाता के मोमिनपुर क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। कोलकाता पुलिस की कई टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। अभी तक पुलिस ने इस मामले में 41 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इतना ही नहीं, कई घरों में भी तोड़फोड़ की गई है और इस हादसे में अब तक 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बता दें कि मोमिनपुर में हुई इस झड़प के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया है, जिसमें बीजेपी ने यह बड़ा दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से सत्तारूढ़ दल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तृणमूल कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि भाजपा राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा है कि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने कई कदम उठाए हैं। उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी नेता मोमिनपुर में भाषण देने के अलावा और क्या करेंगे? भाजपा राज्य के माहौल को पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश कर रही है। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को हर किसी घटना का राजनीतिकरण करना बंद कर देना चाहिए। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।